धन्यवाद करना चाहूंगा उन महान हस्ती जिनका वॉरियर्स बिजनेस लीडरशिप नेटवर्क का मेंटर मैनेजमेंट और सिस्टम को आज से 12 साल 13 साल 14 साल पहले एक सोच बनाई और आज हम जैसे बहुत सारे लोगों को उस सिस्टम में लाके करोड़पति पैदा कर दिए। तो मैं चाहूंगा एक बार वॉरियर्स बिजनेस लीडरशिप नेटवर्क के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। थैंक यू। अब मैं चाहूंगा हमारे मेंटर झारखंड के फाउंडर बप्पर सेठ, पता है ना कौन है? आवाज नहीं है, कौन है? मिस्टर संजय उरांव की एक बार जोरदार तालियां और मैडम उरांव की एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। आज 12 साल लगा चुका हूं और 12 साल के अंदर बहुत सारी स्ट्रगल या बहुत सारी चुनौतियां या बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ा। आप बेशक देख रहे हैं आज यहाँ पे इस बिजनेस में हमारे सतीश ठाकुर सर ने बहुत शानदार बातें बोल रहे थे कि आज 12 साल 13 साल में 7 करोड़ कमा चुके हैं। मैं भी एक जीता जागता इंसान आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ कि आज से 12 साल पहले सेफ शॉप मिला और आज सेफ शॉप के अंदर 12 साल के अंदर सेफ शॉप के अंदर 4 करोड़ के आसपास का इनकम मिला। शानदार प्लेटफॉर्म मिला तो मैं चाहूंगा एक बार सेफ शॉप के लिए भी तालियां बजा दीजिए जोरदार। मगर बात रहा कि इस बिजनेस में 4 करोड़ कमाना यहाँ स्टेट में बहुत अच्छा चमकते हुए दिखना ये मैटर नहीं रखता। इसमें हमने 12 साल में क्या स्ट्रगल किया, कैसे मेहनत किया और आपको क्या करना है, उन चीजों को फॉलो कैसे करना है, उन बातों को मैं आपको कुछ चंद बातें बताने आया हूँ। क्या तैयार है? तैयार है? अभी थोड़ी सा प्रोडक्ट लेके जिंदगी को बदलने का एक रास्ता है और उस रास्ते में अगर मैं लगा लू 4 साल 5 साल तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक सोच बना के हमने काम किया और आज उस सारी प्रोसेस को किया जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। जानना चाहेंगे? पक्का? क्योंकि आज इस बिजनेस में आया और यूं ही करोड़पति या 4 करोड़ नहीं आया माय डियर, उसके लिए हमने हर एक सिस्टम जो बताया गया अभी उन सारे सिस्टम को हमने फॉलो किया, आज भी कर रहा हूं और मैं वादा भी करता हूं जब तक यहां सांस चलेगी, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक ये सिस्टम को फॉलो करूंगा। क्योंकि दुनिया में एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम ने आज हम जैसे लोगों को यहाँ पे सफल बनाया है और वही सिस्टम मैं आपको बताने वाला हूँ। इस बिजनेस में कामयाबी पाना बिल्कुल आसान नहीं है। जिंदगी में हर एक इंसान को दो रास्ते मिलते हैं, एक आसान रास्ता और एक सही रास्ता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि आसान कभी सही नहीं होता और सही रास्ता कभी आसान नहीं होता। सही बोल रहा हूँ? क्योंकि आसान कभी सही नहीं होता और सही रास्ता कभी आसान नहीं होता। क्योंकि मैं जाना हूं इस चीज को, आसान तरीके से सफल होना चाहेंगे तो सही काम सही चीजें नहीं मिलेगी और सही रास्ते में जाना चाहेंगे तो वो बिल्कुल आसान भी नहीं रहे। आज आपको क्या लगता है, आसान से मैं 4 करोड़ कमा लिया? नहीं मैं नहीं। उसके लिए हमने वो सारे सिस्टम को फॉलो किया जो करनी चाहिए। सेमिनार का जिम्मेवारी लिया, नाइट मीटिंग का जिम्मेवारी लिया, टारगेट के लिए फोकस किया, टारगेट का लिस्ट निकाला। टारगेट के लिए मैं हमेशा फोकस करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। और बता रहे थे हमारे सतीश सर क्या मुकेश जायसवाल की सबसे ज्यादा टारगेट हुआ है, नेक्स्ट वाला मैं आपका सर आशीर्वाद चाहिए कि इस बार भी और उससे ज्यादा हो, उसके लिए मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। सर आशीर्वाद चाहिए, जोरदार तालियां सर के लिए। दोस्तों क्योंकि हमने उन चीजों को कॉलिंग बढ़ाया, आज भी बढ़ाता हूं, आज घर त्यागा हूं। 12 साल में अगर मैं बात करूं, 12 साल के अंदर 12 महीना भी हमने घर में नहीं रहा, पूरे के पूरे वक्त हमने फील्ड में लगाया है। उसका इनाम और उसका आज कीमत हमको सेठ शॉप ने दे चुका है दोस्तों। 12 महीना सिर्फ
आप लोग 12 दिन के लिए बाहर नहीं रह सकते, सही बोल रहा हूँ? रहते हैं आप लोग घर से 4 किलोमीटर दूर, लेकिन मैं घर का कसम खा लिया था कि इस बार टारगेट सेशन एंड नहीं होगा, खत्म नहीं होगा तब तक हमने घर का रास्ता नहीं देखेंगे, और मैंने देखा नहीं। उसका नतीजा है कि आज सुकून मिलता है कि आज टीम में सबसे ज्यादा टारगेट होते हैं, सबसे लोग अच्छे उभर के आ रहे हैं, अच्छे इनकम के साथ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा त्याग का फल उस वक्त नहीं मिला, आज मिल रहा है दोस्तों, आज ये मिल रहा है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये बातें मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए आपको बोलना चाहूंगा टारगेट आसान से नहीं होते, उसके लिए फिर भी जाना पड़ेगा। जाते हैं आप लोग पक्का? दो चार लोग का हाथ उठ रहा है, वो लोग जाते हैं, सही बोल रहा हूँ? फील्ड में रहना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना पड़ेगा, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना पड़ेगा, जो हमने किया। आज भी मैं नाइट की टीम को प्राथमिकता देता हूँ, टीम में करवाता हूँ, मैं खुद करता हूँ, इसलिए कि मुझे पता है लीडर रात में निकलते हैं, दीप के सिखाए हुए लीडर कभी सफल नहीं हो सकते, कभी डाइवर्ट नहीं हो सकते, रात को ट्रेनिंग करनी पड़ती है, वो मैं करता हूँ। आज हमें पता है कि टारगेट के लिए लोगों को जगाना है, सप्ताह में 1-2 जूम सिर्फ मिलने के लिए जूम, फिजिकली ट्रेनिंग भी हमारी होती है, मैं खुद होता हूँ, महीने में 2 बार कोर लीडर के साथ फिजिकली फेस टू फेस बैठता हूँ, और उसका नतीजा है कि उससे डिटेल लेता हूँ, उसका नतीजा है कि आज के डेट में भी लॉकडाउन के बाद लगभग आज के डेट में अपना एडिफिकेशन करने नहीं आया हूँ, लेकिन आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में समर्पित भाव से रहेंगे अगर मेरे जैसा, तो आज के डेट में भी 18 से 20 हजार भी अगर क्लोज होता है, तो ये सारी चीजें सिस्टम और मेरे समर्पित और मेरे बहुत सारे कोर लीडर का समर्पित होने का मकसद है कि आज हमारा 18-20 हजार क्लोज होता है सप्ताहिक से, समझ सकते हैं आप? करोड़पति बनना चाहेंगे कि त्याग नहीं करेंगे? आप ओडी में चलना चाहते हैं 50 लाख की, त्याग करना नहीं चाहेंगे? आप जिंदगी में आलीशान बंगला चाहते हैं, घर से निकलना नहीं चाहते हैं? ना टीवी छूटेगा ना बीवी छूटेगा, क्या सक्सेस मिलेगी? दोनों छोड़ना पड़ता है, बोल रहे थे सर ने टीवी से दूर रहना पड़ेगा और बीवी से भी। सच बता रहा हूँ, आज मैंने बता चुका 12 साल में 12 महीना हमने घर में है, बाकी 11 साल टीम के साथ बताया, अपने परिवार अपने टीम के परिवार के साथ लगाया, उसका नतीजा है कि आज जिंदगी में मान सम्मान सिस्टम पैसा शोहरत इज्जत सब कुछ आज सेफ सोप ने दे रखा है, और यह सिर्फ मेरे लिए नहीं आपके लिए भी होने वाला है, आपको भी मिलने वाली है, लेकिन आपको मैंने जो प्रोसेस से गुजरा उस प्रोसेस से गुजरना क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा, तभी जाके करोड़ों आएंगे, सही बोल रहा हूँ? तो चाहते हैं आप लोग? आज जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं, कुछ लोगों को नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारी चुनौतियां आएगी, बहुत सारे लोग आएंगे, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम लोग कीचड़ से बचते हैं, किस लिए बचते हैं? कीचड़ की तरफ नहीं जाते हैं, पता है ना आप लोगों को? कपड़ा में लग जाएगा, जूते में लग जाएगा कीचड़, क्योंकि कीचड़ से हम दूर रहते हैं, लेकिन कुछ कीचड़ ऐसे होते हैं जो अपने आप को घमंड समझते हैं, बोलते हैं कि यार ये तो मेरे से डरता है, कुछ कीचड़, बात समझ रहे हैं? वो कीचड़ लोग नेगेटिव लोग होते हैं, उनसे दूर रहना पड़ेगा, उनसे आपको भागना पड़ेगा, उनसे आपको नेगेटिव वालों से मिलना जुलना बंद करना पड़ेगा, जो आज मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे अपनाए मेरे गुरुओं ने बोलते हैं मुकेश ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, ऐसे करोगे तो वैसा आएगा, हर एक सपना पूरा होगा, और मैं आज हर एक सपनों को पूरा कर रहा हूं, लेकिन उसके लिए जो आपको मैंने जो किया वही चीज मैं आपको बताया बता रहा हूं, उस चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तैयार है? क्योंकि घर से दूर जाना पड़ेगा करोड़पति बनने के लिए, बच्चों से दूर होना पड़ेगा, मोह माया से निकल के फील्ड में रहना पड़ेगा करोड़पति बनने के लिए, उस हर एक चीज लोग से रिश्तेदार शादी पार्टी बर्थडे त्योहार उन सारी चीजों से आपको निकल के एक अलग जगह अलग माइंड सेट करके बैठना पड़ेगा,
करोड़पति बनने के लिए, क्या तैयार है? तो ऐसे करेंगे तभी जिंदगी बदलेगा। अपलाइन से बिल्कुल तालमेल बना के चलना पड़ता है। अपलाइन ही एक ऐसा है, बोला जाता है अपलाइन इज लाइफ लाइन, सुने हैं ना आप लोग? आज गुरुओं से इतनी अच्छा मेरा लगाव है कि आज मुझे शायद गुरु नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होता, आज नहीं चिल्ला सकता था, क्योंकि एक मामूली इंसान था, गांव से था, फटा हुआ बाइक से था। आज गुरुओं का देन है, सिस्टम का देन है। अपलाइन से गले लगा के चलिए। मैं आज भी मुझे याद है जब हमारे गुरु मैना सर ने ज्वाइन कराए थे तो उनके पैंट में, मैं बहुत बार बताया ट्रेनिंग पैंट में ये होता है ना, देख रहे हैं आप लोगों को, मैना सर के पैंट में ऐसे फंसा के चलता था, सही बोल रहा हूँ सर? उस वक्त से मैं आज अपलाइन के साथ हूँ। रीजन की आज जिंदगी असीम है। क्या आप लोग चाहते हैं? चाहते हैं? साथ रहना पड़ेगा, पागलपन बनना पड़ेगा और कसम खाना होगा कि तन मन धन से समर्पित भाव से मुझे 4 साल जिंदगी का सिर्फ सबको देना है और 4 साल के बाद एक ऐसा इतिहास रखना है कि आने वाले 4 पीढ़ी में भी लोग कर नहीं पाते हैं। ऐसी सोच बनानी पड़ेगी। क्या ऐसा सोच है? 4 साल के बाद आपको 4 पीढ़ियों तक को टच करना है। अभी अभी बता रहे थे हमारे मेंटर आजाद सर ने 40 साल या 4 साल, मैं समर्पित भाव से, शिद्दत से, ईमानदारी से, लगन से, बिना किसी को नेगेटिव सोचे हुए, किसी भी बात को माइंड में नेगेटिव आने से रोकते हुए, हटाते हुए 4 साल 5 साल समर्पित था। आज तो 12 साल होने जा रहे हैं, 12 साल समर्पित हूँ और उसी का नतीजा है जिंदगी बहुत शानदार है। दोस्तों मैं यही उम्मीद करूंगा कि अपलाइन के साथ शानदार तरीका से जिंदगी बदलना है तो तालमेल बना के चलिए। एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही, अपलाइन ऑनलाइन होना सुनना चाहेंगे? पक्का सुनना चाहेंगे? कि अपलाइन का पावर क्या होता है, अपलाइन के अंदर गुण क्या होता है, अपलाइन क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ उस कहानी के माध्यम से। जानना चाहेंगे? ध्यान से सुनिएगा। एक बार क्या हुआ, एक आदमी बेरोजगार पड़ा हुआ था, कोई काम नहीं था, निकलना था और काम के तलाश में कहीं घूम रहा था। उसी बीच घूमते घूमते जाते जाते उसको एक गधा दिखाई दिया। गधा देखे ना हमने? उसको एक गधा दिखाई दिया और देखा कि गधा भी सदा निकलना पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं है, पड़ा हुआ है। तो साथी के इंसान के माइंड में एक सोच आया, एक आइडिया आया, एक दिमाग में आया एक बात है कि भाई क्यों ना हम इस गधा से कुछ काम निकालें। अब उन्होंने सोचा, माइंड में लगाया और गधा को के पास गया, गधा को अच्छा से नहलाया धुलाया, फर्स्ट क्लास चमचमवाया। उसके बाद गधा के ऊपर आइडिया तो लाया था, एक छोटी सी मंदिर का सांचा बनवाया और एक घंटी बनवाया। घंटी समझते ना गाय बैल में होता है? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? घंटी लगवाया उसके गला में और पीठ में बनवाया एक मंदिर, सुंदर सा बनवा के मंदिर का सांचा ढांचा और गधा को लेके चल पड़ा गली गली, गांव गांव, मोहल्ला टोला, हर जगह। और जिधर ही वो गधा को लेके जाता था वो इंसान, वो आदमी, उधर ही कुछ लोग निकलते थे, घंटी की आवाज आता था, लोग देखते थे, पीठ में मंदिर था, सामने एक आदमी था, इंसान अच्छा, गधा के साथ साथ। तो जिधर से भी आते थे, कोई 10 रुपया दिया, कोई 20 रुपया दिया, कोई चावल दे दिया जी, कोई धान दे दिया, कुछ ना कुछ उसको डेली मिल रहा था। इसी तरह दिनचर्या उसके चल रहे थे, लगातार 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 कंटिन्यू ऐसा होता गया। कुछ दिन बाद अच्छा खासा इनकम इंसान को भी होने लगा। तो गधा के माइंड में एक दिन नेगेटिव बात आ गई, उसको एक आइडिया आ गया कि साला ये आदमी तो कुछ करता नहीं है, मेरे साथ आगे आगे जाता है, मंदिर मेरे पीठ पे, घंटी मेरे गला में, चलता मैं हूँ और लोग पैसा भी मुझे देख के देते हैं, प्रणाम भी मुझे करते हैं रोज उठ के लोग, इस आदमी का क्या काम, छोड़ो इस आदमी को, मैं अब अकेले चलता हूँ। तब वो आदमी ने क्या करता था, शाम को आने के बाद उस मंदिर को निकाल देता था और रख देता था नीचे,
तो गधा को ये आइडिया आया कि सोचा कि यार मैं ऐसे चलता हूं, घंटी बाधा है तो क्या गम है, सोचते हैं ना लोग। अब वो भरते हैं लास्ट में 2 साल 6 महीना 8 महीना बाद फिर खेत में मिलते हैं या फिर पेट्रोल पंप में काम करते मिलते हैं टाइकोट सूट वाले, जब गधा वाली सोच होती है। आपको इंसान वाली सोच रखना है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इंसान अपलाइन है। अपलाइन ने आज 1 घंटा पहले भी अगर ज्वाइन है सेफ जोन में तो कहीं ना कहीं आपसे 10 बातें पहले सुना है, सही बोल रहा हूं। आपको अपलाइन को अपने से ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, आज भी देता हूं और होल लाइफ दूंगा, क्योंकि अपलाइन से गले लगा के रहिए, अपलाइन ही आपको ऊपर खींच के लाएंगे। एक दिन डायमंड शिप पे लाएंगे, एक दिन जैसलमेर में घुमाएंगे, एक दिन यूरोप भी घुमाएंगे, हमारे को घुमा चुके हमारे अपलाइन 7 कंट्री यूरोप का। ये सारी चीजें गुरुओं से मिलती है, किसी न किसी एक इंसान को गुरु बनना पड़ेगा अगर इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं? Yes, होना चाहते हैं? Yes, चाहते हैं जिंदगी बदलना? Yes, चाहते हैं 50 लाख की गाड़ी में चलना? Yes, कितने लोग? क्या बात है, सभी चाहते हैं? Yes, जैसलमेर जाना चाहते हैं? Yes, पक्का? तो दोस्तों मैं जो बातें बताया और बहुत सारी चीजें बताया गया उन चीजों को फॉलो करिएगा। ये बिजनेस खुद का समझ के काम करिए, जिसने समझ लिया मेरी बिजनेस है मैं करूंगा, मुझे मेहनत करना है, मुझे जिंदगी बदलना है, मुझे सपनों को हासिल करना है, मुझे अच्छे जिंदगी में जाना है, बच्चों को अच्छे लाइफ देना है, तो ये बिजनेस आपको खुद समझना पड़ेगा। आपसे ज्यादा बेस्ट इस बिजनेस को कोई नहीं समझ सकता। सबसे पहले आपको समझना होगा, आप अगर जिस जगह है आपकी सोच की वजह से है। अगर मैं यहाँ पे हूँ आज ओटी के साथ फ्लैट के साथ तो मेरी सोच की वजह से, सही बोल रहा हूँ। आपकी सोच आपको कहीं भी पहुंचा सकती है, एक कारण एक ना एक कारण ढूंढ लीजिए इस बिजनेस को करने का। कोई एक कारण, गाड़ी लेना है कि 2025 में या घर बनाना है कि 2025 में कोई बात नहीं, या थ्रेसर आए अल्टो लेना है कि, एक सिस्टम बना लीजिए, एक अल्टो का फोटो अपने बेडरूम में लगा लीजिए, सुबह उठिए उसी फोटो को देखिए, शाम सोने जाइए उसी फोटो को देखिए, अगर दिल से वो फोटो चिपकाइएगा ना 10 रुपया लगेगा माई डियर को फोटो चिपकाने में, कितने 10 रुपये में प्रिंट आउट निकल जाएगा, कैटलॉग मिल जाएगा, सही बोल रहा हूँ। अब फोटो को देखते रहिए, लिख डालिए डेट, मुझे 2023 के अंदर 24 के अंदर ये गाड़ियां चाहिए, ये बाइक चाहिए, ये स्कूटी चाहिए, ये प्रॉपर्टी चाहिए, जो चीज आप लेना चाहते हैं। एक कारण बनाना पड़ता है नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए, क्या आप तैयार है? एक कारण, बिना कारण का आप नहीं करेंगे। मुझे कारण था, गांव से उठना था, मुझे गुमला में जाना थी तो बहुत दूर की बात, सोच ही नहीं सकता, गांव से गुमला तक का सफर करना था, एक कारण था। उस राजदूत से अच्छे हीरो होंडा में आना था, एक कारण था। उस हीरो होंडा से धीरे धीरे कारण बनते गया गुमला से रांची आना है, एक कारण था। एक एक कारण को आप, बिना कारण का आप कामयाब हो ही नहीं सकते, मैं लिख के ये दे सकता हूं। जिसको कारण ही पता नहीं है कि ये बिजनेस को क्यों करना है, क्या वो डायमंड बनेगा? नहीं बनेगा, उसका कारण होना चाहिए। एक न एक लिख डालिए, बेडरूम में फोटो चिपकाइए और वहां पे आप सुबह शाम देखिए, वो कसम से अगर आप उस फोटो को दिल से लगाए होंगे ना तो वो फोटो आपको न सोने देगा, न जागने देगा, न भूख लगने देगी, न प्यास लगने देगी, एक ही चीज बताएगी, सक्सेस। और फील्ड टारगेट, जैसलमेर, यूरोप, वही सारी चीजें आपको दिखना शुरू होगा। और दिखेगा ही नहीं आपको, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद वो सारे सपने आपके सामने खड़े हो जाएंगे माय डियर, ये वादा है आप लोगों से, मेरी बातों में कड़वा सच्चाई है, आपको करना पड़ेगा। मगर बनाने तो पड़ेंगे पहले सपने, सपने बनाएंगे नहीं पूरे कैसे होंगे, पहले सपने बनाने पड़ेंगे।
तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, सक्सेस होने के लिए कुछ ना कुछ रिटर्न में कारण होना चाहिए, लिखित में कारण होना चाहिए। और नाइट मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, फील्ड सेमिनार, जिम्मेवारी, जवाबदारी, शिद्दत, लगन, मन से इस बिजनेस को 4 साल लगा दीजिएगा। कोई आज ज्वाइन होके आए होंगे, वो भी 4 साल के लिए। एक ऐसा सिस्टम है ये भट्टा, जहां से एक बार समर्पित भाव से जो घुस जाते हैं इस भट्टे में, वॉरियर लीडरशिप नेटवर्क भट्टा में, वो 4 साल बाद हीरा बन के चमकते हैं। ये इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। आपको चमकना है तो चमकना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों तैयार है? कितने लोग जश्न में जाएंगे? तो मेरा पूछ के जा रहा हूं, मैं भी खड़ा हूं, मैं भी फिर जाने वाला हूं। मेरे को भी पैसा नहीं लगा, बहुत पैसा लगा है ना यार, थोड़ा एक सेकेंड और तो खड़ा रखो। सभी लोग चाहते हैं, दोनों हाथ, क्या बात है, सभी के सभी, कितना सुंदर दिख रहा है। इतने हाथ जैसलमेर में खड़ा होंगे, वो बालू का रेत में कितना मजा आएगा। तो जोरदार तालियां दोस्तों आप सभी के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों।